गोलापाई क्षेत्र से सटे गांव सिसवा कला में ये मंजर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि योगी सरकार में भी भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की कमी नहीं है। आपको बताते हैं कि ग्राम सिसवा कला निवासी विजया श्रीवास्तव पत्नी श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव की जमीनी पैमाइश गाटा संख्या 251 होनी थी। पत्नी ने लिखित प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को दिनांक 16 मई को दिया था। उप जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान में लेकर तत्काल जमीनी पैमाइश के लिए आदेश कर दिए, पर संबंधित लेखपाल श्वेता श्रीवास्तव ना तो मौके पर ही गई और ना ही प्रार्थनी से वार्तालाप करना जरूरी समझा, और बल्कि बिना जांच पड़ताल किए ही यह भी कह दिया कि विपक्षी राजी नहीं है। बल्कि सच्चाई यह है कि विपक्षी खुद चाहते हैं कि जमीन की पैमाइश हो जाए और जहाँ जिसकी जमीन है मेड़बंदी करवा लें, पर भ्रष्ट लेखपाल श्वेता श्रीवास्तव को ना पैमाइश कराना चाहती हैं और ना ही उप जिलाधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। पैसों की साठगांठ बिना लेखपाल पैमाइश करने को राजी ही नहीं है और ना ही कुछ कहता है। यह बात पूर्णतः साबित हो चुकी है। देखना है सुशासन का चेहरा और इंसाफ के मोहरे आके कब तक भ्रष्टाचार का ताला लगाए रखेंगे और कौन भामाशाह इस ताले को खोलेगा। क्या नाम है आपका? विजय श्रीवास्तव। क्या दिक्कत है? क्या खेत की पैमाइश कर दी है? अच्छा, तो अभी हुई नहीं। एप्लीकेशन दी आपने? हाँ, दो बार हमने दी। कहाँ पे? लखीमपुर। उप जिलाधिकारी के यहाँ? हाँ, उप जिलाधिकारी के। तो संबंधित लेखपाल अभी तक पैमाइश के लिए नहीं आए? अभी नहीं आए। क्या नाम है उनका? श्वेता श्रीवास्तव। ठीक।